नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबरों में तो इस समय बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आई है। छात्रा से दोस्ती की, फिर किया रेप। लड़की ने बातचीत बंद किया तो मिलने के लिए परेशान करने लगा, डराया धमकाया भी। अब गिरफ्तार। बिलासपुर में नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। छात्रा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए बातचीत बंद कर दिया, तब उसने धमकाना शुरू कर दिया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। टीआई सुनील कुर्रे ने बताया कि कोनी क्षेत्र की एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा है। 3 साल पहले जब वो 17 साल की थी, उस समय सिरगिट्टी क्षेत्र के ग्राम धूमा निवासी राघवेंद्र पटेल 26 वर्ष से उसकी जान पहचान हुई। राघवेंद्र भी बीए सेकंड ईयर का छात्र है। युवक ने उससे दोस्ती की और उसके साथ प्यार का इजहार किया। लड़की उसकी बातों में आ गई और उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। 2 साल पहले राघवेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद से लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसकी हरकतों से तंग आकर छात्रा उससे पीछा छुड़ाने लगी और बातचीत बंद कर दी। इसके बाद भी युवक उसे परेशान करते रहा। बात नहीं करने वो धमकाना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर छात्रा ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र पटेल के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि राघवेंद्र पटेल का कोनी क्षेत्र में ही मामा गांव है, जहां वो घूमने आता था। इस दौरान ही उनकी पहचान हुई और बाद में दोस्ती हो गई। अब वो उससे अलग रहना चाहती है और पीछा छुड़ाना चाह रही है। इसके बाद भी वो धमकी देकर मिलने के लिए परेशान करता है। बार बार समझाइश देने के बाद भी वो नहीं माना, तब उसने शिकायत कर दी।